हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इज इंटरनेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों का मसला है मेरे समेत। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा इंटरनेट ही जो है वो काफ़ी स्लो आता है। तो उसके लिए आप लोग जो आपकी जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए या किसी और जगह पर अपलोड करने के लिए, उनका साइज़ ही 300-400 MB बन जाता है। तो उनको अगर आप अपलोडिंग पर लगाएं तो 3-4 घंटे आपके लग जाते हैं अपलोडिंग पर, और ये बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने में दिन से रात हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि कैसे आप लोग अपनी वीडियोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं अप टू 90%, ठीक है, और आपकी क्वालिटी में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क है कि 19-20 का, जो कि पता ही नहीं चलेगा, ना देखने वाले को ना आपको पता चलेगा। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा वही ज़्यादातर सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं। मैंने 2-4 मुझे और भी पता है, लेकिन मैंने वही आपको बताया जो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को डिफरेंट बनाने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर चूज़ करूँ और वो लेकिन उसका रिजल्ट वैसा ना आए जैसा इसका आता है। तो इसका नाम है हैंड ब्रेक। आप लोगों ने शायद सुना हो, नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता भी देता हूँ। handbrake.fr इसकी साइट का नाम है। ये आ गया यहाँ पर, सिर्फ 10 MB का ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें इधर से जाकर इसके ऊपर क्लिक करके। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन शॉट सा भी है कि ऐसे होगा वो। तो चलें, अब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप लोगों को अपने कंप्यूटर में VLC प्लेयर लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर आप VLC प्लेयर नहीं करेंगे तो आप इसका प्रीव्यू जो है वो नहीं देख सकते। प्रीव्यू क्या होता है कि अगर आपने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सही भी है, यानी 10 सेकेंड का आप डेमो थोड़ा सा लेना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आपको VLC प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इनके आपस में कुछ कोलेबोरेशन होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए VLC प्लेयर। चले, अब आप लोगों को मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स बता दी, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं हैंड ब्रेक को। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ से अगर आप कोई फोल्डर करना चाहते हैं सिलेक्ट, मतलब इसमें 2-4 वीडियोस हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक ही वीडियो है, जिस तरह मैं आपको अभी एक ही वीडियो करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मेरी बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब मैं जो भी चाहूँ उसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सब, ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और आप लोगों को इसका साइज़ है 374 MB, बहुत ज़्यादा इसका साइज़ है और इसकी रनिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलें, अभी हम इधर से आके आप इसका रनिंग टाइम भी हम देख लेते हैं। 14 मिनट्स है इसका रनिंग टाइम, तकरीबन 15 मिनट है। तो चलें, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह हो गया, अब ओपन हो गया। अब 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, अब मैंने इसको फुल स्क्रीन में कर लिया है। यहाँ से आप लोगों ने डेस्टिनेशन इसकी करनी है कि किस जगह पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं इधर ही सेव करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेमो, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेव बस कर दिया और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों ने आउटपुट सेटिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेनर, आप लोगों ने MP4 और MKV की ऑप्शन आप लोगों के पास आएगी, आपने MP4 पर ही क्लिक करना है जो कि डिफॉल्ट हुआ होगा। उसके बाद आप लोगों ने वेब ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। वेब ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपकी ये साइट्स के ऊपर अपलोड करने के लिए स्पेशल इंकोडिंग करता है, जिससे आपकी जो क्रॉपिंग वगैरह है वो ज़्यादा नहीं होती और अच्छी वीडियो रहती है। इसीलिए आप लोगों ने इसको वेब ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पर आपने कुछ नहीं छेड़ना आगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉपिंग में अगर तो आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर नीचे जो 000 लिखा हुआ है राइट बॉटम लेफ्ट टॉप पे, अगर सब वैल्यू 0 हैं तो आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर टू है तो आपने कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से उसको भी 0 कर देना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो क्रॉप हो जाएगी और जो कि अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ प्रीसेट्स देख सकते हैं राइट तरफ। उसके बाद आप लोगों ने, अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली सबसे नीचे जाना है, लेगेसी के अंदर पहली ऑप्शन है नॉर्मल की, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है।
बस नॉर्मल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिल्टर्स पर अगर आप जाके कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वीडियो में आ जाए। वीडियो में आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर वीडियो कोडेक आ गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, MPEG, HEVC ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए यही है, H264 वाली, आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्वालिटी आ गई, यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप इसको लेफ्ट तरफ लेकर जाएंगे तो आपकी क्वालिटी लो से लो होती जाएगी, ठीक है, और अगर आप इसको राइट तरफ इस तरह इधर करते जाएंगे तो लो, और इधर करते जाएंगे तो हाई। अगर आप बिल्कुल ही कर देंगे राइट तरफ तो बिल्कुल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपका साइज में भी खास फर्क नहीं आएगा। इसलिए जो बेस्ट माना जाता है वो है 20 के ऊपर वैल्यू आपने रख देनी है, 20 के ऊपर ये बेस्ट है। इसमें आपकी जो साइज है वो भी मैनेज हो जाएगा और क्वालिटी में भी खास फर्क नहीं आएगा। उसके बाद आप लोगों ने ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोडेक आप लोगों ने AAC ही रहने देना है। बिट रेट आप लोग थोड़ा कम कर सकते हैं 128, इससे आपके साइज पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। 128 में ये होता है कि ना बहुत अच्छी क्वालिटी ना बहुत गंदी क्वालिटी, लेकिन आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद अगले जो दो ऑप्शंस हैं उनको खास ज़रूरत नहीं आपको करने की, अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, ये जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप लोगों ने प्रीव्यू एक दफ़ा कर लेना यहाँ ऊपर से, ताकि आप लोगों को बाद में ना हो कि अगर आप इतनी देर इनकोडिंग में लगा दी और उसके बाद आपकी क्वालिटी आपको पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा होगी, या फिर साइज़ में मैनेज नहीं हो सका आपका, तो इससे बेहतर आप प्रीव्यू एक दफ़ा कर लें इसका। अब यहाँ पर मैं आपको 10 सेकेंड्स का प्रीव्यू दिखाऊंगा, और लाइव प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये थोड़ी देर लगेगा इस तरह, ये आ गया इसका लाइव प्रीव्यू डेमो आ गया। मुझे तो इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एंड पर जब पूरी वीडियो इनकोड हो जाएगी आप लोगों को एक दफा कंपैरिजन भी करवा दूंगा असली वीडियो का और इस इनकोडेड वीडियो का। तो चलें अब हम लोग क्या करते हैं, हमने डेमो भी ले लिया, प्रीव्यू भी ले लिया, अब हम लोग इसको इनकोड करते हैं यहाँ ऊपर स्टार्ट इनकोड से। अब यहाँ पर आपकी वीडियो के साइज और क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी देर लेता है। अब मैं थोड़ा सा बीच में ये वाला पार्ट जो है इसको काट देता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो जब ये हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं वीडियो को दोबारा से चला दूंगा रिकॉर्डिंग को, और आप लोग देख सकेंगे रिजल्ट को। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियो बिल्कुल करीब पहुंच गई है इनकोड होने के, तकरीबन 100% हो गई है। इसने तकरीबन 8 मिनट लिए होने में, ये भी इसलिए क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा था। तो चलें अब ये इनकोड हो गई, अब हमने जिस डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव किया है उसको हम जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस जगह पर सेव किया है डेमो। अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और थोड़ा आगे कर लेते हैं। नहीं चलता उसके लिए एटलीस्ट $3। तो देखें यार, ये तो असल में है रिकॉर्डिंग, इसमें आपको खास फर्क वैसे भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई अपनी मतलब वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपने अपना शक्ल दिखाई है और अपनी कैमरे से बनाई है, तो उसमें आप लोगों को सही पता चलेगा कि क्वालिटी में कितना फर्क आया है। लेकिन अभी हम इसका साइज देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को आइडिया होगा कि कितना साइज में फर्क आया। इसको अगर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं इसकी, तो ये देखें इसका साइज हो गया है 78 MB। और अब अगर हम दूसरी में जाएं जो हमारी असली फाइल थी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, तो ये आप लोग देख सकते हैं दोनों में फर्क। ये मैंने दोनों को एक साथ रख दिया, अब आप लोग खुद ही देख लें कि कितना फर्क आया है। ये 374 MB की फाइल थी और ये सिर्फ 78 MB की है। जहाँ पर आपको इसको अपलोड करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, अब इसको डाउनलोड करने में आपको, इसको अपलोड करने में आपको आधा घंटा सिर्फ लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन है और क्वालिटी में बिल्कुल फर्क नहीं है, और बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग थोड़ी और छेड़छाड़ करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया है कि इस स्टैंडर्ड के साथ आप लोग करते होते हैं इनकोडिंग, जिसपे मैं खुद भी करता हूँ।
यही था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।